नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज डॉट इन और मैं हूं जिज्ञासा। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म जिसने पहली स्क्रीनिंग में ही मचा दिया था तहलका। आइए आज जानते हैं भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को। गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ई वो, इस फिल्म ने पहली भोजपुरी फिल्म का गौरव पाने के साथ ही धमाका मचा दिया था। ये फिल्म भोजपुरी फिल्म थी जिसने पहली स्क्रीनिंग में ही तहलका मचा दिया और जिसकी पहली स्क्रीनिंग सदाकत आश्रम में की गई थी। इस फिल्म ने क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए कीर्तिमान स्थापित किया। इसको बनाने की पेशकश राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बिहार की आंचलिक भाषा से फिल्म निर्माण की अवधारणा सबसे पहले अभिनेत्री नरगिस की मां जद्दन वाई ने की थी। जद्दन वाई की बात मन में रखकर नाजिर हुसैन ने भोजपुरी में एक अच्छी पटकथा तैयार की। पटकथा इतनी सशक्त और दमदार बनी कि अनेक हिंदी फिल्मकारों ने इसे हिंदी में भी फिल्माने की पेशकश की थी। लाख प्रलोभन देने के बावजूद नाजिर हुसैन से वह पटकथा प्रख्यात फिल्मकार विमल रॉय भी हासिल नहीं कर सके। नाजिर हुसैन ने वर्ष 1950 में एक फंक्शन के दौरान इस विषय पर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से बात की, जो बिहार के ही रहने वाले थे। राष्ट्रपति ने भी इस बात की सराहना की और कहा कि भोजपुरी में फिल्म बनाइए। फिल्म का मुहूर्त शॉट पटना के शहीद स्मारक में हुआ। फिल्म के ज्यादातर हिस्से बेहटा में फिल्माए गए थे। फिल्म के गोलघर और आरा के रेलवे स्टेशन में भी दृश्य फिल्माए गए। अच्छे परिणाम से भी आगे निकलने वाली यह मात्र एक फिल्म भर ही नहीं थी, बल्कि भोजपुरी क्षेत्र की एक जबरदस्त पहचान भी बनी। फिल्म वर्ष 1962 के फरवरी महीने में सबसे पहले वाराणसी के प्रकाश टॉकीज में प्रदर्शित हुई। 5 लाख की लागत से बनी इस फिल्म ने 9 लाख का व्यवसाय कर प्रादेशिक भाषा की फिल्म के लिए कीर्तिमान स्थापित किया। फिल्म में भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की कठिनाइयों और सामाजिक परिवेश को बड़ी मार्मिकता से उजागर किया गया था। विधवा पुनर्विवाह पर आधारित यह फिल्म वर्ष 1963 में प्रदर्शित की गई थी, जिसका निर्देशन कुंदन कुमार ने किया था और कुमकुम असीम कुमार और नाजिर हुसैन ने मुख्य किरदार निभाया था। इसमें चित्रगुप्त ने संगीत दिया था और लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी ने इसके लिए गाना गाया था। गीतकार शैलेंद्र ने अपने गीतों से इसे सजाया था। liveseries.in से स्पेशल अपडेट, आप बने रहिए liveseries.in पर आगे की अपडेट्स के लिए। नमस्कार।